आज हमारे बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की, जिसमें अंदर पूरे नॉर्थ जोन के और दिल्ली के जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के मेंबर्स हैं और उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो आए हैं हमारे साथ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में जॉइंट हमने मीटिंग करी है, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो कल भारत बंद का आह्वान जो किसान भाइयों ने दिया है या किसान संगठन ने दिया है, फार्मर्स ने दिया है, उसके अंदर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पूरा सपोर्ट करती है। कल जो उन्होंने आह्वान दिया है कि कल 3 बजे तक हम अपना पूरा सपोर्ट उनको देंगे, और क्योंकि जितने भी उनके मुद्दे हैं उनसे पूरी तरह उनसे हम सहमत हैं, और हम चाहेंगे कि सरकार उन मुद्दों का हल निकाले और उनकी जो परेशानियां हैं दूर करे। इसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पूरा सपोर्ट उनको एमिकेबली मॉरल सपोर्ट उनको देती है। दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस द्वारा व किसानों के समर्थन में जो आह्वान हुआ है ट्रांसपोर्ट बंद रखने का कल 8 तारीख के दिन पूरा समर्थन देगी, और मैं अपने सभी मेंबर्स को अपील करता हूं कि स्कूल व टूरिस्ट बसें हमारी दोनों सेगमेंट कोई भी गाड़ियां सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर ना उतारें। धन्यवाद। देखिए, किसानों की मुश्किलातों को देखते हुए, किसानों के ऊपर हुई तानाशाही को देखते हुए और किसानों के आंदोलन के को देखते हुए जो भारत बंद का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रधान और उनकी सारी टीम ने ये किया है कि जो भारत बंद किसानों को तरफ से हुआ था उसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और उसके बाद जितनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के की तरफ से मैं प्रधान होने के नाते हमने कल ही जॉइंट मीटिंग में DGTA के साथ ये फैसला कर लिया था कि हम पूरी तरह से इसके उनके समर्थन में जो है 8 तारीख को अपना व्यापार जो है सभी बंद करके रखेंगे। हसदे पंजाब और वसदे पंजाब नो कामयाब रखने दे लई जड़ी उन्होंने अपनी आंदोलन का अगे चालू करते हुए जड़ा कल दे आह्वान किया गया बंद रखन दा, उन्हों दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दे चेयरमैन होने के नाते और प्रेजिडेंट परमीत सिंह गोल्डी दे नाल सारे मैंबर ने मिल के उस उन्हों अंदोलन नू पूरा सपोर्ट करन दे लई, कामयाब करन दे लई, पंजाब नू हसदा वसदा रखन दे लई, देखन दे लई असी इन्हों दिलों पूरे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। किसानों की सपोर्ट में हमारे जो बड़े भाई हैं ट्रक यूनियन और बस यूनियन वाले, ये हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हम खरे उतरेंगे, और मैं तकरीबन सबसे छोटा ही हूँ तो सबसे पहले झंडा लेके मैं ही आगे चलूँगा ताकि मेरे बड़े मेरे पीछे पीछे आराम से आते रहें, और जो हम वादा करके आए थे कल वहाँ पे कि हमारे किसान भाई जो हैं और ट्रांसपोर्टर भाई, हम ही एक माँ बाप की औलाद हैं, एक भाई खेती कर रहा है दूसरा ट्रांसपोर्टर ही कर रहा है, तो हम दोनों अलग नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं और एक दूसरे के लिए डट के खड़े रहेंगे। थैंक यू। सभी मेरे NCR के टैक्सी चालक भाइयों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसान हमारा अन्नदाता है, और आज हमारा अन्नदाता सड़क पे खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, और मैं अपने सभी टैक्सी चालक भाइयों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि कल 8 दिसंबर को आप सिर्फ एक दिन अपनी टैक्सी ना चलाएं, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने लॉकडाउन में भी अपनी ताकत का हिम्मत का बहुत अच्छा परिचय दिया है। मेरा सभी से आग्रह है शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में रहें और किसानों का समर्थन करें, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अगर अन्नदाता ही भूखा रहेगा तो हम पेट भर के रोटी खा रहे हैं तो हमारे ऊपर लानत है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा दिल्ली NCR के सभी मेरे टैक्सी चालक भाइयों से कि कल शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में रहें और एक दिन टैक्सी ना चलाएं। मेरी एक ही हमारे देश के जितने भी टैक्सी ट्रक टेम्पू बस गुड्स कैरियर या फिर ग्रामीण सेवा वाले जितने भी भाई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से किसी तरह भी जुड़े हों, एक हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि अगर आप उस किसान के खेत के निकले हुए आटे की रोटी खाते हो तो कोई वहाँ पर आटे का लंगर लगा रहा है, कोई दाल का लगा रहा है, कोई वहाँ पर कुछ भिजवा रहा है, कोई बादाम भिजवा रहा है, तो क्या हम एक दिन गाड़ियाँ नहीं इनके लिए रोक सकते? हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी पार्टी से या किसी संघ से कोई भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन मेरी आपसे एक ही अपील है कि किसानों के लिए एक दिन एक नाम उनके लिए, क्योंकि आज तक हम तो कभी जीत पाए नहीं, हो सकता हमारा भी इतिहास में नाम लिखा जाए। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन है, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील है शांतिपूर्वक पीसफुली
आप लोग इस समर्थन को सपोर्ट करें। जो पूरे भारत के किसान आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके बिल्कुल साथ हैं, उनकी लड़ाई में पूरी तरह समर्थन रहेंगे, कल बंद के अंदर उनका साथ देंगे। धन्यवाद। सभी टैक्सी चालकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो कल हमारा भारत बंद है, इसको सफल बनाने के लिए आप पीसफुल और एक जिम्मेदारी के तौर पर सभी भाइयों को प्यार से समझाएं, ना कि रोड पर आप किसी को ज़बरदस्ती रोकें। आज हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी ऑल इंडिया की पूरी टीम चल रही है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्यार से समझाएं, ना कि रोड पे कोई हंगामा या किसी अगर कोई हंगामा भी करता है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन अपने सभी दिल्ली में प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अपने चालकों से विनम्र अपील करती है कि वो एक दिन के लिए अपनी टैक्सियों और ऑटो को रोकें और किसानों को अपना समर्थन दें। दोस्तों, सभी भाइयों से अपील है कि हम जितने भी हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्टर्स हैं या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, गाड़ी मालिक हो, ट्रांसपोर्टर्स हो या मैकेनिक हो, सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग अन्नदाता के नाम, किसान के नाम एक दिन का भारत बंद में साथ दें। हम लोग सभी जैसे दिल्ली से दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दिल्ली NCR एकता मंच, RTOW, भाईचारा, ऑल इंडिया के बैनर तले विभिन्न सेक्टर से लोग आए हैं, विभिन्न यूनियन के लोग जो परिवहन विभाग से रिलेटेड हैं वो जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि आप एक दिन का टाइम, एक दिन का समय, सिर्फ 8 से 10 घंटे का समय किसान भाइयों के लिए दें, क्योंकि किसान ही हमारे देश की बेस है, रीढ़ की हड्डी है। सपोज करें अगर जिस देश में किसान नहीं होगा, हमारी सरकार कितनी अनाज आयात करके अपने जनता को खिला सकती है? हमारी किसान अन्नदाता हैं, हमारा पेट भरता है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग है उनका। और हम लोग भी सभी आदमी, चाहे वो फौज में हो या किसी भी विभाग में हो, कहीं ना कहीं किसान घर से आते हैं, और किसान का कितना महत्व है विदेश में ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी किसान का, उसी घर का, उसी खेत का अनाज खाकर अपने बच्चे को पालते हैं, खुद पालते हैं। इसीलिए बार बार हाथ जोड़ कर निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी एक साथ कंधे में कंधे मिलाकर एक दूसरे के सुख दुख को बाँटें, और भारत में जो कुछ बाहरी तत्वों की परेशानियां चल रही है, कॉरपोरेट घरानों का दबदबा चलने वाला है, उससे देश को बचाएं और आम जनता को बचाएं। धन्यवाद। मैं श्याम सुंदर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच, आपके माध्यम से दिल्ली NCR के लाइट और मीडियम ऑपरेटर से, ट्रांसपोर्टर से, गाड़ी मालिक से, ड्राइवरों से, हेल्परों से, सभी से अपील करता हूँ, जो वर्तमान में किसान आंदोलन देश में चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए कल अपनी एक दिन की रोजी रोटी छोड़ के उनको समर्थन करें, इसी में हमारी सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद के साथ किसान आंदोलन को मजबूती के साथ समर्थन देने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय।